हेलो एवरीवन, आज हम कोरिन आईओटी बॉन्ड की इंस्टॉलेशन करेंगे जिसमें हम प्लैटर, इंडिकेटर और एनालाइजर को कैसे कनेक्ट करना है ये सीखेंगे। तो हम सबसे पहले प्लैटर को इंडिकेटर से कनेक्ट करेंगे। प्लैटर को इंडिकेटर से कनेक्ट करने के लिए प्लैटर से वायर आ रही होती है जो 4 पिन कनेक्टर की होती है, जिसे हमें इंडिकेटर में कनेक्ट करना है। एनालाइजर को कनेक्ट करने के लिए एनालाइजर से वायर भी कनेक्ट होती है, इसे हमें इंडिकेटर के बैक साइड पे कनेक्ट करना है। और इंडिकेटर के ऑन बटन को ऑन कर देना है। ये हमारा प्लैटर, इंडिकेटर और एनालाइजर कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। मशीन को ऑन करना हमें। अब हम एनालाइजर को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। एनालाइजर को एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए हमें ब्लूटूथ में जाना है। ब्लूटूथ को ऑन करना है और ये हमारा एनालाइजर डिवाइस नेम आ रहा है, मोबाइल AMCU V4.21 4566, इसे पेयर करना है। अब हमें एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन की सेटिंग में जाना है, हार्डवेयर एंड ब्लूटूथ पे जाना है, AMCU ब्लूटूथ डिवाइस नेम पे जाना है और ये एरो के निशान पे टच करना है। यहाँ से हमें एनालाइजर डिवाइस नेम को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। हार्डवेयर में जाना है, एनालाइजर टाइप में और ST अल्ट्रा स्कैन 9600 को सिलेक्ट कर लेना है। स्केल सेटिंग Scale 1 रखना है और सेव कर देना है। ये हमारी एप्लीकेशन एनालाइजर से कनेक्ट हो चुकी है। जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एनालाइजर से बीप का साउंड आएगा और ऊपर लिखा जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टेड। अब हम एप्लीकेशन को वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना है। हमें यहाँ पे सर्च करना है AMCU.in। अब यहाँ पे हमें जो हमने रजिस्टर Gmail ID डाली थी वो डालनी है। और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये हमारा वेब सर्वर ओपन हो चुका है। अब हम MCP पे जाएंगे और All MCP पे जाएंगे। एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए हम स्कैनर को ओपन करेंगे, QR कोड को। अब हमें एप्लीकेशन में जाना है, सेटिंग में जाना है एप्लीकेशन की। रजिस्टर ऐप ऑन क्लाउड पे क्लिक टू स्कैन पे और हमें QR कोड को स्कैन कर देना है। ये हमारी एप्लीकेशन वेब सर्वर से कनेक्ट हो चुकी है। अब हम वेब सर्वर से रेट चार्ट को अपलोड करेंगे। तो वेब सर्वर से रेट चार्ट को अपलोड करने के लिए 3 डॉट पे जाना है, रेट में जाना है, एड रेट चार्ट पे, चार्ट लेवल MCP, फार्मर लेवल 1, MCP ग्रुप 9, डिफॉल्ट ग्रुप MCP और रेट चार्ट। अब हमें अगर फैट पे चाहिए तो हम KG फैट ओनली को सिलेक्ट करेंगे। फैट प्लस SNF पे चाहिए तो KG फैट प्लस SNF को सिलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट नेम डालना है हमें सबसे पहले, मिल्क टाइप, काउ या फैलो पे, हमें दोनों पे चाहिए तो हम बोथ कर देंगे। रेशो जो भी हमारे गांव शहर में होती है, 60-40, 52-48 या 50-50 की, हम 60-40 को सिलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फैट हमें 6 फैट, स्टैंडर्ड SNF 9 रख लेंगे हम, और स्टैंडर्ड रेट हम 60 कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट रेट चार्ट नेम, यहाँ से हम रेट चार्ट के नेम को चेंज करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रेट चार्ट अपलोड हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन में चेक करेंगे रेट चार्ट अपलोड हुआ है या नहीं। तो हमें एप्लीकेशन में जाना है, रेट चार्ट में जाना है, ये हमारा रेट चार्ट अपडेट हो चुका है। अब हम कलेक्शन करने के लिए फार्मर ऐड करेंगे, फार्मर पे जाना है, ऐड फार्मर पे क्लिक करना है। फार्मर आईडी 01, मोबाइल नंबर, फार्मर नेम, लेवल 1, पेमेंट मोड कैश, और सेव पे क्लिक कर देना हमें। ये हमारा फार्मर ऐड हो चुका है। अब हम कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के लिए हमें कलेक्ट मिल्क पे जाना है, यहाँ पे ऐड कलेक्शन पे जाना है, ऐड कलेक्शन पे जाना है, फार्मर आईडी डालनी है 1। अब हम वेट रखेंगे वेइंग स्केल पे, अब हमें एप्लीकेशन में जाके एक्सेप्ट करना है वेट को, इंडिकेटर में आ रहा है 4.23 और एप्लीकेशन में भी आ रहा है 4.23, ठीक है, एक्सेप्ट क्लिक करेंगे। अब हमें एनालाइजर में सैंपल लगाना है, एंटर का बटन दबा देना है। ये हमारा फैट, SNF, डेंसिटी, लैक्टोज, सॉल्ट, प्रोटीन, टेम्परेचर, वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। अब इसे हम एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से हमारी स्लिप निकल गई है। अब हम वेब सर्वर पे चेक करेंगे हमने जो कलेक्शन की है वो वेब सर्वर पे आई है या नहीं। जो हमने एप्लीकेशन में कलेक्शन की थी वो अब वेब सर्वर पे शो कर रही है। फैट SNF अमाउंट टोटल है 256.34 पैसे, रेट 60 रुपये पर लीटर, जो भी हमने रेट चार्ट डाला था